हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लीवेज ऑफ ईथर देखेंगे, जो कि ORM 3 का पार्ट 4 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1, 2, 3 देख ले। तो क्लीवेज ऑफ ईथर में यदि फर्स्ट फॉर्म केटायन 3 डिग्री या उससे ज़्यादा स्टेबल केटायन बनता है, तब तो आपका SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है, मतलब SN1 क्लीवेज होगा ईथर का, अदरवाइज SN2। अगर 3 डिग्री या उससे ज्यादा स्टेबल केटायन नहीं बन रहा है तो SN2 मैकेनिज्म से क्लीवेज होगा। जैसे आपके पास ये ईथर है, R ग्रुप है, अब HX है, HX आपका HIHBrSCl हो सकता है। तो सबसे पहले तो H+ अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, प्लस चार्ज आ गया। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, क्योंकि ये बेस की तरह काम करेगा, लोन पेयर डोनर लेविस बेस होता है और ये H+ एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया। अब इस केस में देखना है कि कोई भी, या तो ये या ये, दोनों में से कोई बॉन्ड यदि ब्रेक होता है तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो 3 डिग्री या उससे स्टेबल बन रहा है क्या? तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने से, तो यहाँ से क्लीवेज होगा ये बॉन्ड का। तो आपका CH3CH2OH ETOH प्लस ये कार्बोकेटायन बनेगा, मतलब -ETOH होगा, ये लिविंग ग्रुप जो है हट जाएगा, तो -ETOH हो गया, तो आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। अब जो है X-, I-, Br- या Cl-, तो I- अटैक करेगा इस पे, तो आयोडीन यहाँ से ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनता है। तो इस केस में जो है दो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो ये आपका अल्काइल आयोडाइड बना है प्लस ETOH। ETOH इसी स्टेप में बन गया था, यहाँ से जब ETOH निकला तो दिस प्लस ETOH भी तो है साथ में, अब I- अटैक करेगा तो अल्काइल आयोडाइड प्लस ETOH। तो इसमें बोल रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज RDS स्टेप, तो कार्बोकेटायन का बनना ही RDS स्टेप होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, तो SN1 में कार्बोकेटायन का बनना RDS स्टेप होता था, तो इसलिए यहाँ पे कार्बोकेटायन का बनना RDS स्टेप होगा। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है, तो ये भी इथर है, HX का रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले तो H+ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो आपका एसिड बेस रिएक्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 2 डिग्री, यहाँ पे आएगा तो 1 डिग्री, मतलब कि SN1 रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि 3 डिग्री या उससे स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है, मतलब I- अटैक करेगा तो SN2 मैकेनिज्म होगा। तो SN2 कहाँ होता है? लेस हिंड्रेंस वाले कार्बन पे, तो ये I- जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि ये लेस हिंडर्ड कार्बन है, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3CH2OH और ये CH3 से I जुड़ जाएगा, तो CH3I+ CH3CH2OH, ये आपका दो प्रोडक्ट बनेगा, मैकेनिज्म SN2 होगा इस केस में, क्योंकि 3 डिग्री या उससे स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन पा रहा है। नेक्स्ट PHOCH3, फिर HX से रिएक्शन करवाएंगे। तो पहले तो H+ से ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा और रिएक्शन कर लेगा एसिड बेस रिएक्शन, अब X- अटैक करेगा तो 3 डिग्री या उससे स्टेबल बन रहा है क्या? तो नहीं बन रहा है, क्योंकि CH3+ बनेगा, ये भी 1 डिग्री है, और यहाँ तो फिनाइल केटायन बन रहा है, ये तो और ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो इस केस में भी SN2 मैकेनिज्म ही होगा, क्योंकि 3 डिग्री या उससे स्टेबल कार्बो केटायन नहीं बन रहा है। तो X- लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करेगा, तो इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो PHOH+ CH3X, तो इस तरह से ये आपका प्रोडक्ट बन गया। सिमिलरली नेक्स्ट है, तो पहले तो H+, तो ये आपका PHCH2OH+ CH3 बना लेगा, अब X- अटैक करेगा। तो देखिए इस केस में जो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो PHCH2+ बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री से, तो ये इस केस में SN1 मैकेनिज्म होगा, तो आपका कार्बोकेटायन बनेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3OH अल्कोहल बना लेगा, अब X- अटैक करेगा, तो इस तरह से PHCH2X+ CH3OH, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है PHCH2X+ CH3OH। मतलब मैकेनिज्म से आपको ये पता चल रहा है कि किस वाले पार्ट पे एक्स एड होगा, इधर एड होगा या इधर एड होगा, जिधर एड होगा उसके अपोजिट तरफ OH एड रहेगा। सिमिलरली नेक्स्ट है, तो इसमें भी डाइल्यूट H2SO4, तो सबसे पहले तो डाइल्यूट H2SO4 मतलब तो H2O होता है, मतलब हाइड्रोलिसिस होगा, तो हाइड्रोलिसिस में तो सिंपल बॉन्ड को ब्रेक की दिए, जिस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज उसको भी H+, जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उसको OH-, तो यहां से भी OH और इस कार्बन से भी OH, तो फाइनल प्रोडक्ट तो यही बनेगा, बस मैकेनिज्म हमको जानना है कि मैकेनिज्म क्या होगा। तो सबसे पहले एसिडिक मीडियम है, तो
एच प्लस अटैक करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, तो ये आपका ओ एच प्लस बनाएगा। अब ओ एच माइनस अटैक करेगा, तो देखिए जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री आएगा, मतलब कि SN1 मैकेनिज्म होगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से OH और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका इंटरमीडिएट बन गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया। अब फर्दर OH माइनस अटैक करेगा तो यहाँ से एक और OH ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से भी OH और यहाँ से भी OH। तो इस केस में दोनों जगह OH ही ऐड होगा क्योंकि हाइड्रोलिसिस है, यहाँ HX था तो X माइनस ऐड हो रहा था। नेक्स्ट देखिए, तो ये एग्जाम्पल हम हाइड्रोलिसिस के टाइम भी बताए ही थे। तो सबसे पहले तो H प्लस एसिडिक मीडियम से O18H पे अटैक करेगा, तो यहाँ से O18H। अब जो OH माइनस है H2O का, ये किधर से अटैक करेगा, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे? तो देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना लेता है, तो इधर तो क्लीवेज हो नहीं सकता है, यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगा क्योंकि ये ट्रोपाइलियम केटायन बनाता है, तो ट्रोपाइलियम केटायन बहुत ही स्टेबल होता है, ये जो केटायन बना है, तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, 3 डिग्री से तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। अब इस पे OH2 H2O से OH माइनस एड हो जाएगा, तो इस तरह से OH और O18H ये वाला रहेगा। तो दिस प्लस 5 मेंबर्ड रिंग में O18H आपका रहेगा। तो मैकेनिज्म से आपको ये पता चल रहा है कि यदि आइसोटोप भी दे दिया जाए तो हमको पता चल जाएगा कि O18 जो है किस वाले रिंग के साथ रहेगा। ऐसे तो दोनों के पास OH ही है, 7 मेंबर रिंग के पास भी OH और 5 मेंबर रिंग के पास भी OH, लेकिन जब आइसोटोप रहेगा O18 जैसे यहाँ पे दे दिए, तब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि O18 किस पे रहेगा और ऑक्सीजन किस पे रहेगा। तो इस केस में आप मैकेनिज्म से चले जाइए, सिंपल। नेक्स्ट है क्लीवेज ऑफ इपोक्सी इथर। तो सबसे पहले इपोक्सी इथर बोलते किसको है, तो 3 एंड 4 मेंबर साइक्लिक इथर आर कॉल्ड इपोक्साइड। तो 3 या फिर 4 मेंबर का साइक्लिक इथर को इपोक्साइड बोलते हैं। तो इस केस में क्लीवेज जो है स्टीरियो स्पेसिफिक होता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है 180 डिग्री अपोजिट साइड से, मतलब न्यूक्लियोफाइल 180 डिग्री अपोजिट साइड से अटैक करेगा और ये स्टीरियो स्पेसिफिक एंटी एडिशन होता है इस केस में, और रिएक्शन जो है मीडियम पर डिपेंड करेगा। यदि एसिडिक मीडियम रहता है तो क्लीवेज ऑक्यूर्स फ्रॉम मोर स्टेबल केटाइनिक साइट। तो एसिडिक मीडियम में जो है मोर स्टेबल केटाइनिक साइट से क्लीवेज होगा, और न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में अनहिंडर्ड साइट पे अटैक होता है, मतलब अनहिंडर्ड साइट डिसाइड्स द प्रोडक्ट। तो सिंपल हम O18 से ही समझा देते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन रहेगा तब तो इस कार्बन से भी OH रहेगा, इस कार्बन से भी OH रहेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो O18 से एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं तो आपको अच्छे से पता चलेगा। डायल्यूट H2SO4, तो एसिडिक मीडियम है तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन जो है H प्लस एक्सेप्ट करेगा, ये O18 है तो OH प्लस हो गया। अब H2O अटैक करेगा, तो मोर स्टेबल केटाइनिक साइट किधर है, इधर 1 डिग्री है, इधर 3 डिग्री है, ये अटैक करेगा यहाँ मोर स्टेबल पे, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो इस कार्बन से O18H है और इस कार्बन से OH है, तो इस कार्बन से O18 और H और यहाँ से OH, स्टीरियो स्पेसिफिक एंटी एडिशन होता है तो दोनों अपोजिट साइड रहेगा, यदि कायरल सेंटर रहा तो। इस केस में कायरल नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कहीं से ऐड कर दीजिए, क्योंकि कायरल रहेगा तभी तो उसका मिरर इमेज और वो खुद डिफरेंट मॉलिक्यूल रहता है, इस केस में तो आइडेंटिकल ही हो जाएगा। नेक्स्ट डायल्यूट NaOH, तो डायल्यूट NaOH में OH माइनस जो है अनहिंडर्ड साइट पे अटैक करता है, तो यहाँ पे ज्यादा हिंड्रेंस है यहाँ के कंपेरिजन में, तो बेसिक मीडियम में यहाँ पे अटैक होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, मतलब इस कार्बन से जो है O18H रहेगा और यहाँ से OH, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ से O18H और यहाँ से OH, बस यही डिफरेंस है। अगर OH रहता, मतलब यहाँ ऑक्सीजन रहता O16 जो है, तो दोनों केस में OH OH और यहाँ भी OH और OH, तो डायल्यूट H2SO4 रहे या डायल्यूट NaOH रहे आपको समझ में नहीं आता, तो इसलिए O18 से बता दिए ताकि आपको समझ में आए कि हाँ कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है किस केस में। अगर एसिडिक मीडियम है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और बेसिक मीडियम है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इसके बाद नेक्स्ट है SNI रिएक्शन। तो ये एक्चुअली में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल होता है, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनल। ये रिएक्शन जो है NCERT में भी दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि अल्कोहल जो है SOCl2 के प्रेजेंस में RCl बनाता है प्लस SO2 प्लस एस, मतलब OH जो है Cl से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जो है ये सिर्फ SOCl2 ही देता है, ये ध्यान रखिएगा।
इंटरनल रिएक्शन होता है इस केस में, मैकेनिज्म से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास अल्कोहल है ROH और SOCl2, तो सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है अटैक करता है सल्फर के वैकेंट ऑर्बिटल में और इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, और ये डबल बॉन्ड जो है ये इस तरह से ब्रेक कर जाता है, तो ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे ये शिफ्ट कर जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये फर्दर इस तरह से बॉन्ड बनाता है तो Cl- बाहर चला जाता है, तो आपके पास एस डबल बॉन्ड Cl रहता है और ये ROH प्लस रहता है। अब इसमें से माइनस एच प्लस होगा तो आर ओ एस ओ सी एल। अब फर्दर सी एल जो है अटैक करता है इस कार्बन पे और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और ये बॉन्ड भी ब्रेक करेगा, तो आर सी एल प्लस एसओ टू गैस रिलीज होता है, और ये जो एच प्लस जाता है और यहाँ से सी एल माइनस गया, ये दोनों मिला के एच सी एल बना लेता है, इसलिए आर सी एल प्लस एसओ टू और यहाँ एच सी एल ये जो बना है, यहाँ से सी एल माइनस गया, यहाँ से एच प्लस गया, तो एच सी एल प्रोडक्ट बना। अब आप देखिएगा कि इस केस में जो सी एल माइनस है ये रिटेंशन प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि जिस तरफ OH ग्रुप था उस साइड से ही अटैक हो रहा है, मतलब अगर कायरल सेंटर रहेगा तो आपका रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। बस है तो आपका ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, और कार्बोकेटायन भी नहीं बनता है, मतलब रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा इस केस में, बस इस केस में आपका रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है, ध्यान रखिएगा। जैसे ये आपके पास देखिए एग्जाम्पल है, तो ये कायरल कार्बन है, तो अब जो SOCl2 ईथर, ईथर तो सोलवेंट होता है, तो SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्लोरीनेट होगा, RCl बनेगा ROH से, लेकिन ये कायरल कार्बन है और इसका कायरलिटी फिक्स है, तो जिस तरफ OH है उसी साइड में Cl एड होगा रिटेंशन प्रोडक्ट के लिए, तो जिस तरफ OH है उसी तरफ Cl एड होगा, बस ये ध्यान रखिए। अब जो है क्लोरीनेशन ऑफ अल्कोहल देख लीजिए एक बार, तो क्लोरीनेशन ऑफ अल्कोहल में जो है ROH से बनेगा तो RCl ही, बस मैकेनिज्म वगैरह डिफरेंट होगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे PCl5 और PCl3 इन दोनों के केस में तो SN2 मैकेनिज्म होगा, और SOCl2 के केस में SNI मैकेनिज्म होता है, मतलब RCl बनेगा तो रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा यदि कायरल सेंटर रहेगा यहाँ तो, लेकिन यदि SOCl2 के साथ पिरिडीन बेस मिला देते हैं पिरिडीन, तो इस केस में आपका SN2 मैकेनिज्म ही फॉलो होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब सिर्फ SOCl2 रहेगा तो आपका SNI मैकेनिज्म होगा, लेकिन SOCl2 के साथ यदि पिरिडीन बेस है तो इस केस में SN2 मैकेनिज्म होगा, मतलब इन तीनों के केस में सेम प्रोडक्ट बनेगा और वाल्डेन इन्वर्जन होगा, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, लेकिन सिर्फ SOCl2 रहेगा तो रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा यदि ये कायरल सेंटर रहेगा तो। इसके बाद नेक्स्ट है ROH अल्कोहल का रिएक्शन टोसाइल क्लोराइड TSCl से करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपका TSCl होता क्या है, तो TSCl होता है ये आपका देखिए OTS है, इस केस में ऑक्सीजन की जगह अगर क्लोरीन यहाँ पे रहेगा तो ये TSCl है। अब ROH ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा और क्लोरीन बाहर चला जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो आपका प्रोडक्ट जो है ROTS बनेगा, मतलब यहाँ से ये OTS था, देखिए ये OTS का स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम बताए थे SN1 जब स्टार्ट किए थे, तो यहाँ से ROTS बने है, क्योंकि एक्चुअली में जब ROH ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा तो ROH और यहाँ प्लस, फिर यहाँ से माइनस एच प्लस होगा ताकि ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज हट जाए, तो ये ROTS बनेगा, तो इस तरह से ROTS। TSCl होता था ऑक्सीजन की जगह अगर क्लोरीन रहता तो TSCl, अब ये ऑक्सीजन आ जाएगा तो ROTS बन जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल का रिएक्शन यदि टोसाइल क्लोराइड से करवाएंगे तब। इसके बाद नेक्स्ट है SN2Ar एरोमेटिक SN2 इसका मतलब होता है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि देखिए PHCl और इसका रिएक्शन NaOH से करवाएंगे तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में रहता है डबल बॉन्ड के साथ, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, तो इसलिए ये SN1 या SN2 रिएक्शन नहीं करता है। अब इसी में यदि यहाँ से NO2 ग्रुप अटैच कर दें, तो यहाँ जब NO2 ग्रुप अटैच करते हैं तो इजिली आपका Cl हट जाता है और OH लग जाता है, तो इसको बोलते हैं SN2Ar एरोमेटिक SN2 इस केस में हो रहा है। तो जैसे एक NO2 लगने से ये इजिली हो जा रहा है तो तीन तीन लग जाएगा ऑर्थो और पैरा पे, तो इस केस में तो और आसानी से हो जाएगा H2O के साथ रिएक्शन, मतलब H2O से Cl- हट के यहाँ OH लग जाएगा, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। जैसे देखिए यहाँ PHCl है, तो ये डाउज प्रोसेस होता है, ध्यान रखिएगा, इसको जब 300 ATM मतलब बहुत ही हाई प्रेशर है
हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जब हीट करते हैं तब NaOH के साथ रिएक्शन करके ये PHOH बनाता है, जबकि यदि तीन NO2 ग्रुप लगा देते हैं तो यही रिएक्शन 40 डिग्री सेल्सियस पे हो जा रहा है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो डॉज प्रोसेस के ध्यान रखिए कि 300 ATM और 600 केल्विन टेम्परेचर पे PHCl जो है NaOH के साथ रिएक्शन करके फिनोल बना लेता है, लेकिन NO2 के साथ हमको कम ही टेम्परेचर पे क्यों इजिली क्यों हो जा रहा है रिएक्शन, तो इसका मैकेनिज्म देखिए। तो इस केस में आपका मैकेनिज्म क्या होता है कि ये बॉन्ड तो ब्रेक करेगा नहीं, तो OH- जो है इस पे यहाँ अटैक करता है इस कार्बन पे। तो जिस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता था उसी तरह से यहाँ पे अटैक होगा। तो जब OH ऐड होगा तो ये डबल बॉन्ड जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव चला जाएगा। तो इस केस में क्या हो गया कि आपका एरोमेटिसिटी जो है वो खत्म हो गया बेंजीन रिंग का। तो एरोमेटिसिटी खत्म होते ही क्या हुआ कि ये फिर से एरोमेटिक होना चाहेगा, अपना स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा, अनस्टेबल हो गया, तो ये फिर से लोन पेयर अटैक करता है, तब जाके आपका Cl- बाहर होता है। तो इस तरह से आपका फिर फिनोल बनता है। तो इस केस में देखिए कार्बेनायन बन रहा है, मतलब रेट जो है कार्बेनायन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो जो कार्बेनायन को स्टेबल बनाएगा रिएक्शन को फिजिबल करेगा, तो NO2- I- M से स्टेबल करता है कार्बेनायन को, तो इसलिए रिएक्शन इजिली हो जाता है जब NO2 ग्रुप अटैच रहता है। तो क्योंकि ये जो कार्बेनायन बनेगा H2O के रिएक्शन से यहाँ पे, तो NO2 जो है स्टेबलाइज करेगा। तो स्टेबलाइज ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन वाला ही करेगा, क्योंकि मेटा वाला कंजुगेशन में ही नहीं होता है, तो इसलिए सिर्फ ऑर्थो और पैरा वाला स्टेबलाइज करेगा, तो इसलिए ऑर्थो पैरा पे लगा होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए पिरिडिन में मेटा और पैरा पोजिशन पे क्लोरीन लगा दिए, अब रिएक्शन करवा रहे हैं ETONA/हीट। तो ETONA मतलब ETO- है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक होगा, तो नाइट्रोजन का -I- M कहाँ पे लगेगा, मेटा पोजिशन पे तो लगता नहीं है, सिर्फ पैरा पे लगेगा, तो ETO- जो है इस पोजिशन पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज जाएगा। अब फर्दर रिटर्न ऑफ एरोमेटिसिटी में ये Cl- बाहर होगा और आपका प्रोडक्ट मतलब यहाँ से OAT लग गया। तो इस केस में देखिए ये जो निगेटिव चार्ज है ये नाइट्रोजन के साथ कंजुगेशन में है, ये यहाँ देखिए इस तरह से नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज आ सकता है, लेकिन जब आप मेटा पोजिशन पे अटैक करवा दीजिएगा तो ये वाला जो निगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन के साथ कंजुगेशन में नहीं है, ये जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ से डबल बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो ये नाइट्रोजन के साथ नहीं है कंजुगेशन में, मतलब कि ये क्लोरीन आपका नहीं हटेगा, मतलब यहाँ पे SN2Ar नहीं होगा, सिर्फ पैरा पोजिशन वाला क्लोरीन हटेगा ETO के रिएक्शन से ETO- से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।